नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे परीक्षा मंथन के कंप्यूटर के एक बहुत ही अच्छे बुक का हम दोस्तों रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बुक के लेखक है विनय कुमार ओझा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, SSC के एग्जाम में आप कंप्यूटर पूछा जा रहा है, साथ में बैंकिंग के एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, और बिहार टीचर में कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी भी निकला हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, और एक बेहतरीन बुक आपके पास होना चाहिए। तो हम परीक्षा मंथन के कंप्यूटर के न्यू एडिशन 2023 के बुक के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में आपको इस बुक का कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर बात करें इस बुक के अंदर, तो नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे 272 पेज, ठीक है। बुक के कंटेंट को अगर देखें तो बुक का जो MRP है दोस्तों 250 रुपये है, ठीक है। जिसपे आप ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ पेज मैंने बता दिया 272, और MRP जो है 250, ठीक है, लिंक मैंने दे दिया है। परीक्षा मंथन का ये कंप्यूटर नॉलेज का ये बुक है, 2023 का नया एडिशन है, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कि इस बुक का जो कंटेंट है वो काफी अच्छा है। मैं इस बुक को अदर बुक से भी कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि इस बुक में क्या आपको अलग देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को कवर किया गया है। इससे पहले भी इसका एडिशन आया था 2023 से पहले, बट वो एडिशन में मुझे कुछ खास लगा नहीं। थ्योरी बहुत ज़्यादा लेंदी दिया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया था, इसलिए मैंने लिया नहीं था। बट इस एडिशन कुछ में मुझे कुछ अलग कंटेंट देखने को मिला। चलिए विषय सूची को देखते हैं। तो विषय सूची में सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ऐड किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है हर एक टॉपिक के बाद। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पार्ट टू में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में, ठीक है, काफ़ी लंबे सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद तीसरा अध्याय में आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कैसे कंप्यूटर काम करता है। चौथा अध्याय में पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक है। उसके बाद पाँचवा अध्याय में इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक के बाद देखने को मिलेगा। छठा देखिएगा मेमोरी के बारे में, जो भी मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में उनके बारे में जानकारी देखने को मिलेगा 6th चैप्टर में। उसके बाद संख्या पद्धति, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 9वां अध्याय में देखने को फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषा, सभी के बाद आपको अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे डेटा तथा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्लो चार्ट के बाद। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क है तथा डेटा सुरक्षा। उसके बाद इंटरनेट का उपयोग, मल्टीमीडिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलग से देखने को मिलेगा, और अंतिम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली देखने को मिलेगा, जैसे विंडोज़ के हिंदी शब्दावली, कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली हो गया, विंडोज़ कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मेटावर्स क्या होता है, डिजिटल वित्तीय सेवाएँ क्या होता है, फ्यूचर रिस्क, यहाँ पे मतलब सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से 272 पेज में कवर किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, फिगर के साथ दिया गया है। कमी ये है कि पेपर क्वालिटी थोड़ा और सही हो सकता था, बट प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रिंटिंग अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है, समझ में आपको आ जाएगा। आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपका जो कंप्यूटर का बेसिक होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर की विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी कंप्यूटर का विशेषता है, और यहाँ पर क्या आप जानते हैं, इस तरह का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि कंप्यूटर के स्टैटिक GK के क्वेश्चन में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपने पढ़ा वो प्रीवियस ईयर के तौर पे 1-liner क्वेश्चन के मतलब माध्यम से आप इन सभी क्वेश्चन को, इन पूरे एक्सरसाइज को आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-liner है वो ज़्यादातर बैंकिंग के क्वेश्चन है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको UPSC के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर स्टेट PCS के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, SSC CGL 2017 के क्वेश्चन है, तो ये सारे एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन को भी देखने को यहाँ देखिए, हाईकोर्ट ARO एग्जाम 2019 हो गया, तो सारे एग्जाम को कवर किया गया है, जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी को कवर किया गया है, ठीक है।
अगला एक्सरसाइज है दोस्तों, कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर के विकास को भी कवर किया गया है। हर एक पॉइंट को, हर एक डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। हर एक चीज़ को बताया गया बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, फिगर के माध्यम से क्लियर किया गया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद समरी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर किया गया इस बुक के अंदर। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की कार्य पद्धति आपको देखने को मिल जाएगा, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा, मशीन साइकिल हो जाएगा, उसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको जानना है, फ्लो चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट जानकारी जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों, मैंने इस बुक को स्टडी किया है, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं बता दूं दोस्तों, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो मैं इस बुक को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये बुक आप ले सकते हैं। हालांकि मैं इस बुक को और भी बुक से कंपेयर कर दूंगा, उन्हें भी आप दोस्तों देख लीजिएगा। बहुत जल्द आपको कंपेरिजन वीडियो देखने को मिलने वाला है, यहाँ फैक्ट देखने को मिलेगा, फैक्ट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद सिस्टम यूनिट हो गया, उसके बाद मॉनिटर हो गया, सारा कुछ आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ कवर किया गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस बुक को आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एमएस वर्ड को, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हर चीज़ को भी बहुत अच्छे से इस बुक में समावेशित किया गया, और बहुत ही अच्छा बुक है ये मुझे लगा दोस्तों। और जानकारी भी आपको पूरा देखने को मिलेगा, मतलब पूरे के पूरे कंप्यूटर के बारे में बेसिक तो आपका कवर हो ही जाएगा, मतलब बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस बुक में कंटेंट को शामिल किया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में भी आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब यहाँ आंसर देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन के सामने सामने, और जो आंसर है वो सामने सामने दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर देखिए यहाँ सामने सामने दे दिया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कहीं आपको पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, डिटेल में समझाया गया, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एक्सेल को भी अलग तरीके से फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जैसे H/T का मतलब क्या होता है, ANSI का मतलब क्या होता है, API का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HTML का मतलब क्या होता है, विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट बटन हो गया, अलग से आपको दे दिया गया कि F1 किस लिए होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब भी आप दोस्तों देख के जाइए, काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हर एक पॉइंट को इस बुक में कवर किया गया, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ देखिए हिंदी शब्दावली हो गया, एक्सेस का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हिंदी में जानना, अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। उसके बाद शब्दावली हो गया कि यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है, सारा कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, मतलब हर एक पॉइंट को इस बुक में कवर किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, आगे हम चलते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इन्हें भी जाने, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देखने को मिलेगा, ये स्टैटिक जीके के टर्म्स में आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप दोस्तों इन्हें कह सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इन्होंने कवर किया है। उसके बाद मेटावर्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा कुछ आपको देखने को मिलेगा, जानकारी देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों डिजिटल वित्तीय सेवाएँ आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग से जानकारी है, बैंकिंग में आवश्यकता क्यों है, डिजिटल क्या इसका इंपॉर्टेंस है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, वन टाइम पासवर्ड क्या होता है, सारा कुछ जो अभी यूज हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अलग से आपको देखने को मिलेगा, जो कंप्यूटर में अलग से, मतलब ये सब पूछे जाते हैं आजकल, तो ये सब भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद फ्यूचर स्किल्स के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा, फ्यूचर में क्या उपयोग है कंप्यूटर का, क्या मतलब क्या क्या यूज होने वाला है, सारा कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। बिग डेटा एनालिसिस्ट हो गया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सारा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ आपको ये बुक देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को चाहे तो आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी मुझे नहीं लगा।
अब मेरे पास और भी बुक है, उनके साथ मैं इस बुक का कंपेयर करूंगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको कंपेरिजन वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और ये परीक्षा मंथन का बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है ये बुक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम का मुझे नहीं पता, अगर इंग्लिश मीडियम में ये बुक आता होगा तो लिंक मैं दे दूंगा, नहीं आता होगा तो हिंदी मीडियम में आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।